हेलो गाइज, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं उठ गया हूँ, तो अभी मैं नहा रहा हूँ, फिर तैयार होता हूँ, फिर भगवान की पूजा करता हूँ और फिर निकलता हूँ कंप्यूटर क्लास के लिए। तो मिलते हैं बाद में। तो गाइज फाइनली अभी मैंने नहा लिया है, तो अभी मैं करता हूँ भगवान की पूजा और फिर चलते हैं कंप्यूटर क्लास के। तो गाइज फाइनली मैंने हनुमान जी की पूजा कर ली है और शिव शंकर भोलेनाथ की भी पूजा कर ली है। तो गाइस फाइनली मैंने शिव शंकर भोलेनाथ की भी पूजा कर ली है और हनुमान जी की कर ली है और कृष्णा भगवान की भी कर रहा हूँ मैं पूजा। तो गाइस फाइनली हमारे कृष्णा भगवान जी की पूजा भी हमने कर ली है, देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली हमारे कंप्यूटर क्लास की भी छुट्टी हो गई है और अभी हम आए हैं रेवदर के ग्राउंड में जिसका नाम है पवेलियन। तो फाइनली गाइज हमने अभी जिरावल में एंटर कर लिया है, अभी चलते हैं अंदर, आपको जिरावल जैन मंदिर दिखाते हैं। तो गाइज फाइनली अभी हम जिरावल जैन मंदिर के अंदर आते हैं, आप देख सकते हो मंदिर कितना बड़ा और भव्य है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, आप देख सकते हो कितना बड़ा ट्रैफिक है, गाड़ी वगैरह। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर कितने हरे हरे पेड़ है जो कि देखने में एकदम गजब दिख रहे हैं, देख सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर कितने मस्त ये फूल है, इनको कितनी अच्छी मतलब डिजाइन दी गई है, देख सकते हो। तो गाइस यहाँ का ये पूरा महल है जो कि बिना सीमेंट से बनाया गया है, आप देख सकते हो ये पता नहीं किस प्रकार के पत्थर है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर कितने बहुत सारे मतलब फूल है। तो गाइस ये बहुत ही मस्त है। तो गाइस फाइनली हमने पूरा मंदिर घूम लिया और अभी हम चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पर आने का प्लान नहीं था लेकिन आज दूसरे रास्ते से आए थे तो बीच में पड़ रहा था, तो चलो आपके लिए ब्लॉग बना दे। तो गाइस फाइनली हमने जिरावल पूरा मंदिर घूम लिया है, तो अभी हम जाते हैं घर पे। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें